हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासिक प्रेजेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी को लेकर एक अपडेट जारी हुआ। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी सारी डिटेल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही इसकी ऑफिशियल नोटिस। तो बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 7 मार्च 2020 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 23 मार्च 2020 तक ये फॉर्म ऑनलाइन चलेंगे। तो अगर इसके फर्स्ट फेज एग्ज़ाम की बात करें तो 12 अप्रैल 2020 को फर्स्ट एग्ज़ाम होगा और सेकेंड फेज एग्ज़ाम की बात करें ये 3 मई 2020 को होगा। तो फेज सेकेंड इंटरव्यू की बात करें तो आपका ये भी डिटरमाइंड नहीं है। तो बात करें नंबर ऑफ पोस्ट और एलिजिबिलिटी के बारे में, तो सबसे पहली पोस्ट है जनरल की, इसके लिए आपका 80 पोस्ट है। और बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन या फिर बैचलर डिग्री इन ला, यानी ला में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या फिर CA, CFA, CS या कॉस्ट अकाउंटेंट से आपकी डिग्री, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो चलिए हम अगली वैकेंसी की बात करें। तो अगली वैकेंसी है लीगल की, इसके लिए आप 6 वैकेंसी हैं और 28 वैकेंसी हैं। तो इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन ला, यानी ला में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो अगली बात करें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 5 और 17 हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या CS में। इंजीनियरिंग सिविल की, तो इसके लिए टोटल 1 पोस्ट है और इसके लिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसके लिए 1 पोस्ट है और 3 पोस्ट है और इसके लिए इलेक्ट्रिकल में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो अगली बात करें हम रिसर्च की, इसके लिए टोटल 1 और 4 पोस्ट हैं और इसके लिए मास्टर डिग्री इन स्टैटिक या इकोनॉमिक या कॉमर्स में होना चाहिए। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं हम ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो इसके लिए टोटल 1 वैकेंसी है और इसके लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज 1 सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व जनरल एंड EWS के लिए आपका 1000 रुपये रहेगा और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके सैलरी की, तो सैलरी आपकी 1,07,000 रुपये पर मंथ रहेगी और ये विदाउट एकोमोडेशन के, और एकोमोडेशन के साथ आपकी 73,000 रुपये रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sebi.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।